एंड क्वार्टर ऑफ हैमिंग कोड 7 4, जिसमें ये जो हमारा 7 है वो n को शो करता है, स्मॉल n को, और जो 4 है वो k को, जो मैसेज बिट्स होती हैं इनपुट पे वो, और 7 क्या है n, जो हमारी एनकोडर के बाद आती है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये हमारी मैट्रिक्स है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स, जो कि पर्टिकुलरली 7 4 की है, लीनियर ब्लॉक कोड। और हमें ये मैट्रिक्स, एक जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि ये मैट्रिक्स हमने की थी, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, इसकी जनरेटर मैट्रिक्स की थी, इसके कोड वेक्टर्स भी किए थे और मिनिमम डिस्टेंस भी देखा था। सेम इसी मैट्रिक्स का हम इसमें यूज करेंगे। देखिए एनकोडर का क्या क्या होता है, एनकोड करना, एनकोड करके जो हमारे कोड वेक्टर्स आते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है, जो उसको हम कोड वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। हर एक का अलग अलग कोड वर्ड होता है, मैसेज वेक्टर्स का उनको कोड वर्ड में किया जाता है, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम एनकोडर एनकोडिंग करते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स हम कर चुके हैं, तो चेक बिट्स होती हैं C1 C2 C3, चेक बिट C1 C2 C3 से टेन आउट किया जाता है, और दूसरी होती है मैसेज बिट्स, जो कि चेक बिट्स जो कि ऑब्टेन होती है, किससे बनती है चेक बिट्स, मैसेज बिट्स से, M1 M2 M3 M4 4 मैसेज बिट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि इसमें हम मोड 2 की एडिशन करते हैं, मोड 2 एडिशन यानी एक्सक्लूसिव ओर एडिशन, एक्सोर एडिशन, एक्सोर के अकॉर्डिंग 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, यही इसका टेबल है एक्सक्लूसिव ओर का, यानी कि एक वन होना चाहिए तभी वन आएगा, अगर दो वन है तब भी जीरो, अगर दो जीरो है तो तब भी जीरो, यही कंडीशन रहती है। तो देखिए मोड टू एडिशन ऑपरेशन में हम सिर्फ एक्सक्लूसिव ओर ऑपरेशन यूज करते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें ये जो हमने इसको सॉल्व किया था, तो इससे हमने कोड वेक्टर्स जनरेट किए थे, कोड वर्ड जनरेट किए थे, और उसको जनरेट करने के लिए जो मैसेज वेक्टर थे M1, M2, M3, M4, उसे चेक बिट्स इक्वेशन निकाली थी। ये आप लास्ट टॉपिक में हमारा जो है वो देख सकते हो, जो कि हमने किया था कि जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, जो एरर डिटेक्शन करेक्शन कैपेबिलिटी जो होगी हैमिंग कोड्स की, उसके अकॉर्डिंग उस कैपेबिलिटी में हमने ये सब कुछ कर चुके हैं कि हमने C1, C2 और C3 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। C1 क्या था, M1 XOR, M2 XOR, M3, C2 था M1 XOR, M2 XOR, M4, और C3 था M1 XOR, M3 XOR, M4, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है लास्ट टॉपिक में। तो C1 जो कि चेक बिट C1 है, ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है, M1 XOR, M2 XOR, M3, एक्सक्लूसिव OR है ना, एक्सक्लूसिव OR का साइन आएगा, यानी M1 M2 और M3 का एक्सक्लूसिव OR, जिससे C1 चेक बिट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट C2 के लिए, C2 क्या है, M1 M2 M4, M1 M2 और M4, इन तीनों को C2 चेक बिट प्रोड्यूस होगी। C3 के लिए M1 M3 M4, M1 M3 M4, जिससे C3 प्रोड्यूस होगी, यानी कि चेक बिट रजिस्टर्स जिससे हमें प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इसके साथ एक स्विच कनेक्टेड होता है, स्विच S, जो कि कनेक्टेड होता है सबसे पहले मैसेज रजिस्टर्स के साथ, मैसेज रजिस्टर्स M1, M2, M3 और M4, ये मैसेज रजिस्टर्स हैं। सबसे पहले ये स्विच मैसेज रजिस्टर्स के साथ ही कनेक्ट होता है, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास चेक बिट्स आती हैं, और सारी मैसेज बिट्स सबसे पहले ट्रांसमिट होती हैं, और ट्रांसमिट होने के बाद जो ये स्विच है वो चेक बिट रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद चेक बिट्स ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैसेज बिट्स जाएंगी M1 यहाँ से C1 C2 से, फिर इसके साथ कनेक्टेड होगा, फिर चेक बिट्स जाएंगी, और इससे ही हमारे पास कोड वर्ड आउटपुट आती है। इसको देखिए, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, जो लास्ट टॉपिक है मैं इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे कोड वर्ड कैसे ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के थ्रू मैंने, इस सेम मैट्रिक्स के थ्रू मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है इस चीज को लास्ट टॉपिक में, एरर डिटेक्शन करेक्शन कैपेबिलिटी में। तो इस तरह से हम कोड वर्ड जनरेट कर लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसकी जो ब्लॉक है,
फॉर्म ब्लॉक 7 बिट्स हैं, और सबसे पहले क्या होता है, एक ब्लॉक जाता है. अब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट ब्लॉक के लिए ये फिर स्विच SMA, फिर इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, फिर चेक बिट्स के साथ, फिर थर्ड ब्लॉक के लिए, फिर फोर्थ ब्लॉक के लिए, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं. इसमें एक बार हम और देख लेते हैं कि देखिए ये हमारे पास M1, M2, M3, M4 है. फोर मैसेज वेक्टर थे तो फोर का कॉम्बिनेशन कितना होता है, फोर का टोटल 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 से 16 तक, यानी कि 0 से 15 तक बाइनरी में लिखते हैं. तो अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं C1 XOR M1 XOR M2 XOR M3 यानी 0, C1, ऐसे ही C2 के लिए M1 XOR M2 XOR M4, कहीं और से ले लेते हैं, C2 के लिए ये वाला ले लेते हैं, ये वाली बिट. C2 के लिए क्या है, M1 कितना है 0, M2 कितना है 1 0 1 1, और M4 और यहां से 1 आया था 1 1 0, यानी C2 इस टाइम पे 0 होगा. इस तरह से ये कंप्लीट टेबल हमने बनाया था लास्ट टॉपिक में, और ये कहां से आया ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि C1, C2 और C3 की वैल्यूज कहां से आई थी. ठीक है, अब इसके बाद हमने चेक बिट्स कैलकुलेट करने के बाद हमें कोड वेक्टर या कोड वर्ड मिल जाते हैं एक्स से, जिसे डिनोट किया जाता है. ये जो है M1, M2, M3, M4, C1, C2, C3, ये सारे हमारे कोड वर्ड्स होते हैं जिन्हें ट्रांसमिट किया जाता है. ठीक है ना, इनको ही ट्रांसमिट किया जाता है एक्स से, जिसे डिनोट किया जाता है, और यही हमारी एनकोडिंग होती है. ठीक है, सबसे पहले वो मैसेज स्विच M1, M2, M3, M4 के साथ कनेक्टेड होगा, फिर C1, C2, C3 के साथ, फिर नेक्स्ट ब्लॉक चल जाएगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉक, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक चल जाएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से ये चलता रहता है प्रोसेस, और इसे ही एनकोडिंग बोलते हैं, एनकोडर जो होता है हैमिंग कोड का. देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी एग्जाम्पल को लेके, इसी मैट्रिक्स को लेके हम इसमें सिंड्रम डिकोडिंग करेंगे. सिंड्रम डिकोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हैमिंग कोड्स में, कि उसको क्यों यूज किया जाता है. थैंक यू. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं.